फिर स्टैटिक रैम, बाइनरी वैल्यूज आर स्टोर्ड यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप कन्फिग्रेशन। रिमेंबर द फ्लिप फ्लॉप, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में। वी सा देम इन द प्रीवियस सेमेस्टर। सम सेम लॉजिक एलिमेंट्स यूज इन द प्रोसेसर कैटेगरीज विल होल्ड इट्स डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू इट। अब यह है कि सारा जो आपको ऑलरेडी पता है कि फ्लिप फ्लॉप्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में फिर आपसे पूछूंगी। और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये आपसे मैं इसके बारे में क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है। फिर स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक रैम, दोनों की कंपैरिजंस। बोथ आर वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल मेमोरीज हैं। बोथ आर वोलेटाइल, पावर मस्ट बी कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द टू प्रिजर्व द बिट्स वैल्यू। डायनेमिक रैम पीरियोडिकली रिफ्रेश कैपेसिटर चार्ज, और स्टैटिक रैम नो नीड पीरियोडिकली रिफ्रेश, नो नीड टू पीरियोडिकली रिफ्रेश। ओके, डायनेमिक रैम सेल इज सिंपलर एंड स्मॉलर देन द स्टैटिक रैम। ये इसकी क्वालिटीज है सारी, वन ट्रांजिस्टर वन कैपेसिटर वर्सेस SR फ्लिप फ्लॉप। अगर एक में वन ट्रांजिस्टर इस तरह, एक में आपके पास जो है डायनेमिक में क्या होता है, उसमें डायनेमिक रैम में आपके पास कैपेसिटर्स हैं और स्टैटिक रैम में आपके पास SR फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है। डायनेमिक रैम इज चीपर देन द करस्पॉन्डिंग इस रैम। डायनेमिक रैम रिक्वायर्स द सपोर्टिंग रिफ्रेश सर्कटरी रीड आउट। रिफ्रेश इसलिए कि इसको करंट अवेलेबल होना चाहिए थ्रू टू द कैपेसिटर्स। दिस इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, डू नॉट इंक्रीज विद साइज, द कॉस्ट इज मोर देन कंपनसेटेड बाय द स्मॉलेस्ट कॉस्ट डायनेमिक सेल्स। इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन है मेरे ख्याल में, आप इसके बारे में और इसकी डिस्क्रिप्शन की ये ज़रूरत नहीं होगी आपको, उसने ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसकी रीड ओनली मेमोरी रोम्स, इसके बारे में भी आप ऑलरेडी पिछले जो है आप ICT में पढ़ चुके हो, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है ये टाइप्स ऑफ रोम्स, ओके, टाइप्स ऑफ रोम, प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटर्न इन टू ओनली वंस, ठीक है। इस पर एक दफ़ा आप कोई चीज़ राइट कर सकते हैं, दोबारा इस पर राइटिंग पॉसिबल नहीं होती। राइटिंग मे बी परफॉर्म एट द लेटर टाइम देन द ओरिजिनल चिप फैब्रिकेशन, ठीक है। स्पेशल इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द राइटिंग प्रोसेस, मोर एक्सपेंसिव देन द रोम, ठीक है। इस पर एक दफ़ा कोई भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, मगर बट इट इज़ नॉट वोलेटाइल। Erasable programmable read only memory, नाम से जाहिर है कि इट कैन डेटा कैन बी erased, बट इट कैन बी erased वंस ओनली, कैन बी अल्टर्ड मल्टीपल टाइम्स, द इंटायर मेमोरी कंटेंट्स नीड टू बी erased, मेमोरी कंटेंट्स शुड बी erased, देन यू कैन राइट द डेटा ऑन दैट EEPROM, ठीक है। आपने इस पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन है, बट आपने पूरा जो है पिछला सारा डेटा उसको इरेज करना है। स्पेशल इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इरेजर प्रोसेस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज़ यूज्ड फॉर द इरेजिंग प्रोसेस ऑफ दैट EEPROM। स्लो इरेजर प्रोड्यूस, मतलब प्रोसीजर मतलब इतना है कि मतलब जो भी डेटा उस पर सेव है, तो उसको सारा जो है जितना भी डेटा है इसको रेज करना, और इतने मोर देन मतलब राउंड अबाउट जो है 10-20 मिनट्स विल टेक फॉर द इरेजिंग डेटा फ्रॉम द EEPROM, मोर एक्सपेंसिव देन द PROM। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो है इसमें इट्स कैन बी अल्टर्ड मल्टीपल टाइम, स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इरेजर, नो नीड टू इरेज द प्रियोर कॉन्टेंट्स। मतलब ये है कि पहले जो था PROM था, तो उसमें एक दफ़ा रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, फिर दोबारा उस पर कोई भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इरेजेबल में है कि आप तो बार बार उस पर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, बट फॉर
एवरी टाइम जब आप इस पर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी यू हैव टू इरेज द प्रीवियस ऑल डेटा बट इन द ईईपी रोम नो नीड टू इरेज द प्रीवियस डेटा और द प्रेजेंट डेटा मतलब आप उसको बार बार उसी पे दोबारा दोबारा राइटिंग को करेंगी मगर ज़रूरी नहीं है कि आप पिछला डेटा उसको इरेज करें ओनली द बाइट और बाइट्स एड्रेस आर आउट अपडेटेड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फास्टर इरेजर प्रोड्यूस देन द ईईपी रोम डेफिनेटली पावर फास्टर ही होगा एंड मोर एक्सपेंसिव होगा बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज फ्लैश मेमोरी named because the speed of with speed with which it can be programmed ठीक है ये भी मतलब इस पर एट अ टाइम आप रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं विदाउट इरेजिंग द प्रीवियस डेटा बिटवीन द ई पी रोम एंड ई पी रोम इन बोथ कॉस्ट एंड फंक्शनैलिटी यूजेज एन इलेक्ट्रिकल इरेजिंग टेक्नोलॉजी फ्लैश के बारे में तो आप लोगों को नॉर्मली पता होगा ठीक है पॉसिबल टू इरेज ब्लॉक ऑफ मेमोरी डज नॉट प्रोवाइड बाइट लेवल इरेजर ठीक है मतलब इसको आप मतलब सिंपली डिलीट से भी आप कोई भी चीज़ आप डिलीट करना चाहो अगर आप फ्लैश मेमोरी यूज़ कर रहे होते हो ना पूरा इरेज करने तो फॉर्मेट करते हो या अगर स्पेसिफिक तो उस तरह आप उसको डिलीट का सिंपली डिलीट कर लेते हो टेक्नोलॉजी यूज इन द इन पिन ड्राइव्स ठीक है इसके बारे में भी आपको काफ़ी अंदाज़ा है फ्लैश मेमोरी को यूज़ भी किया है जानती भी इसकी यूजेज क्या है ठीक है